गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में एक अपराधी ने पत्नी से विवाद के चलते उसे लिफ्ट देने वाले किशोर का अपहरण किया। उस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही गिट्टी खदान पुलिस जांच में जुट गई और 3 घंटे के भीतर आरोपी को ढूंढ कर गिरफ्तार कर लिया। गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में एक अपराधी ने पत्नी से विवाद के चलते उसे लिफ्ट देने वाले किशोर का अपहरण कर लिया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही गिट्टी खदान पुलिस जांच में जुट गई और 3 घंटे के भीतर आरोपी को ढूंढ कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी खड़क पहाड़ पीटेसुर बस्ती निवासी किशन बाबूलाल उइके बताया गया। पुलिस ने सुरेंद्रगढ़ गोंड मोहल्ला निवासी चंदा श्याम कुलमेथी की शिकार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी किशन पहले चंपा नामक महिला के साथ चंदा के घर के समीप रहता था। विवाद के बाद वह चंपा से अलग रहने लगा। बुधवार को चंपा ने चंदा के 17 वर्षीय बेटे सुंदरम कुलमेथी को उसे रविनगर चौक तक छोड़ने को कहा। सुंदरम ने उसे रविनगर छोड़ दिया और वापस घर आ गया। इसकी जानकारी किशन को मिल गई। एक महिला फिरियादी पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने ऐसा बताया कि उनका 17 साल के लड़के को आरोपी किशन उइके यह उसकी बीवी को कहाँ छोड़ा ये बताने के बहाने से लेके गया है और जब तक उसकी बीवी नहीं मिलती तब तक उस लड़के को मैं छोड़ूंगा नहीं और अगर नहीं मिली तो मैं उसका कुछ भला बुरा कर दूंगा ऐसा धमका रहा है। ऐसी फिरियाद लेकर पुलिस स्टेशन आई थी। उस मामले में पुलिस ने गिट्टी खदान पुलिस के तपास पथक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को टेक्निकल एविडेंस और गोपनीय जानकारी के आधार पर उसका और उस अपहृत लड़के का ठिकाना गांजी हाउस पुलिस स्टेशन यशोधरा नगर के हद में यहाँ होने की जानकारी प्राप्त हुई। उस आधार पर वहाँ जाकर उस लड़के को उस आरोपी के चंगुल से छुड़ाया है और आरोपी को भी अरेस्ट किया है। किशन उनके घर पर पहुंचा और सुंदरम से मारपीट कर चंपा को कहां पर छोड़ा पूछने लग गया। जबरन उसे मोटर साइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया। किशन का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बेटे को साथ ले जाने से चंदा दहशत में आ गई। उन्होंने परिसर के नागरिकों को जानकारी दी। सभी मिलकर गिट्टी खदान थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। किशन के मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने टॉवर लोकेशन के जरिए उसका पीछा शुरू किया। करीब 3 घंटे के मशक्कत के बाद उसे यशोधरा नगर के गांजी हाउस चौक के समीप पकड़ा गया। सुंदरम को मां के सुपुर्द कर पुलिस ने किशन को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने उसे 1 दिन की पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। डीसीपी विनीता साहू एसीपी सुधीर नंदनपाल और इंस्पेक्टर गजानन कल्याणकर के मार्गदर्शन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।